फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय चैनल टी ऑन फ्लेम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में इटालियन कॉफी कैपेचिनो बनाऊंगी, जो कि एक एस्प्रेसो बेस्ड कॉफी है। ट्रेडिशनली तो इसे मिल्क फोम को यूज करके बनाया जाता है, बट हम आज उसे बिना फोम के ही बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं इटालियन कॉफी कैपेचिनो। तो उसके लिए हम एक बोल में कॉफी पाउडर लेंगे। आप कोई भी ब्रांड का कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ नेस्ले यूज किया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स जरूर करिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। एक साथ पानी हमें ऐड नहीं करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करिए और इसे मिक्स करते रहिए। तो मुझे यहाँ टोटल 2.5 टेबलस्पून पानी लगा है, बस अब पानी को मैंने ऐड कर लिया है। और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में बीट करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, और जब तक बीट करना है कि ये फ्लफी ना हो जाए। इसमें हमें कम से कम 10 से 11 मिनट लगेंगे। तो अब कॉफी पेस्ट तैयार है, तो चलिए हम कैपेचिनो बनाते हैं। उसके लिए हम एक कप लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून कॉफी पेस्ट डालेंगे और उसमें हॉट बॉइल्ड मिल्क पोर करेंगे। और धीरे धीरे स्पून से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। कैपेचिनो रेडी है। अब मैं इसे चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करूंगी। बचे हुए कॉफी पेस्ट को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दें, और जब भी कैपेचिनो पीने का मन हो उसे बना लीजिए। तो आइए मजा लेते हैं एस्प्रेसो बेस्ड इटालियन कॉफी कैपेचिनो का। होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की अपडेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।